अपराधी सरकार की नज़र में तो अपराधीन है, तभी ने जेल में बंद किया गया है। अधिग्रहण की बात है, आप अधिग्रहण किए थे 98 से, तो आज 2023 है, तो 2023 तक बैठे थे। ये केवल और केवल किसानों को डरा धमका के औने पौने रेट में लेकर अपने गुजरात के व्यापारियों को देने की योजना है इनकी। आज हम लोग यहाँ जिला कारागार में, जो हमारे मोहन सरण वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की ज़बरदस्ती ज़मीन ले रही है सरकार, ये योगी मोदी की सरकार ज़बरदस्ती उनसे मार कर उनकी ज़मीन ले रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जेल के अंदर। हम लोग मिलने गए थे, वो बेचारे रो रहे थे, जिनके घर में गौरीशंकर जी के घर में शादी थी बिटिया की, विदाई होने वाली थी, उस समय पुलिस ने जाकर मारा पीटा और जेल भेज दिया है। हम सब लोग उनसे मिले हैं और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इनके गांव में भी हम लोग सबसे पहले खड़े रहे हैं, आज भी हैं, और निश्चित इस परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े हैं। और जो भी उसमें पुलिसकर्मी या विकास प्राधिकरण के लोग उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी सेवा समाप्त की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, और जो लोग प्रताड़ित करके जेल भेजे गए हैं, मैं ये निश्चित तौर से मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि इनके ऊपर मुकदमे ये हटाए जाएं, मुकदमे निरस्त किए जाएं और इनको बेइज्जत जेल से छोड़ा जाए। जिस तरह से काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं किसानों को बढ़ावा देते हैं, और वहीं दूसरी ओर उन्हीं के सांसद, अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप उठाकर देख लीजिए, जिस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब इस प्रकार का अत्याचार अन्याय हो रहा है, जैसा आप लोगों ने कहा कि किसानों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और वहाँ बच्चियों को के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, किसानों को मारा जाता है, घसीट कर उनको ले आकर जेल भेजा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी का दोहरा चरित्र सामने आता है। और आम जनता को ये समझना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की हरकत हो रही है, तो बाकी प्रदेश और देश का क्या हाल होगा। एक और दूसरी ओर ये भी बोली जा रही है कि पहले किसानों की तरफ से पथराव चालू हुआ, साथी को ढंग से अपना कार्य करने के लिए, तो उसके बाद मजबूरन लाठी चला न। अच्छा ये बताइए, कहीं पर भी आप लोग मीडिया में जुड़े हुए हैं, पथराव पहले, मैं तो आज तक इतना साल से हो गया, पथराव तो नहीं होता। जब बात प्रशासन करने जाता है बात बिगड़ती है, जब बात नहीं मानी जाती है या कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से दुर्व्यवहार किया जाता है, तब दूसरी तरीके तरफ से रिलेट किया जाता है। वो तो खुद ही दबे हैं बेचारे, वो तो खुद कमज़ोर हैं, उनकी तो ज़बरदस्ती ज़मीन, वो तो ज़मीन कहते हैं 98 के रेट में हमको दी है, मुआवजा सरकार दे रही है। आपको आज का अगर ज़मीन लेना है तो वर्तमान का जो सर्कुलेट है उसको 4 गुना दीजिए, किसानों से बैठ के बात करिए, हम मुझे लगता है किसान शायद तैयार हो जाएं। और उनको आप ज़बरदस्ती मार कर और उनको बदनाम कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये सरकार घिर चुकी है, योगी मोदी की ये सरकार घिर गई है। अब उनको ये सूझ नहीं रहा है कि क्या बोलें, तो किसानों को आरोपित कर रहे हैं, किसानों को अपराधी सरकार की नज़र में तो अपराधीन है, तभी ने जेल में बंद किया गया है। सरकार ने बंद किया है, सरकार का विरोध करने वाला अपराधी होता है, हम लोग सब लोग जो विरोध करते हैं हमारे वो मुकदमा लिखा जाता है, कांग्रेस के लोग मुकदमा लिखा जाता है, अपराधी होते हैं। इसी तरह किसान हैं, किसान के ऊपर मुकदमा लिखकर उनको जेल भेज दिया गया सीधे साधे लोगों के ऊपर। और जो आप देख सकते हैं कि जो आज 4 गुना जो मुआवजा मिल रहा है किसानों को आज के दिन में, वो किसका किसकी देन है? वो यूपीए सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और राहुल गांधी जी ने जब भट्टा परसौल गए थे, वहाँ से लौटने के बाद उनको लगा कि अरे भाई किसानों को जो सब कुछ ले लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गाँव में सर्कुलेट रेट के हिसाब से किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा और शहर में सर्कुलेट के 2 गुना मुआवजा मिलेगा। उस नाते आज किसानों को मुआवजा मिल रहा है, वो भी सरकार ये नहीं दे रही है और इनको ज़बरदस्ती अपराधी बना रही है। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यही बात तो पहले भी कह रहा हूँ कि पुलिस ने सीधे लाठी चार्ज करना और मारना शुरू कर दिया, ना आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ना पानी के बौछार किए गए, ना उनसे कोई बातचीत किया गया, सीधे उनको मारने ही लगे। तो वही कह रहे हैं गलती किसकी है, पूरी तरीके से सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, और ये पूरी तरीके से उनको केवल प्रताड़ित किया जा रहा है कि डर के मारे ये जमीन। और अधिग्रहण की बात है, आप अधिग्रहण किए थे 98 से, तो आज 2023 है, तो 2023 तक बैठे थे या 2023 में वहाँ योजना, उसके पहले क्या योजना नहीं लानी थी? ये केवल और केवल किसानों को डरा धमका के औने पौने रेट में लेकर अपने गुजरात के व्यापारियों को देने की योजना है इनकी। अरे भाई बीजेपी का बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, उन्हीं के क्षेत्र में मारा जा रहा है किसानों को, न वो बगल में कल परसों तो आप देखिए वहीं मीटिंग थी, बड़े बड़े चेहरे वहाँ आए थे कि नहीं आए थे? अरे 16 जी नहीं, बड़े बड़े नेता थे वहाँ, वहाँ क्या क्या प्रभारी और कौन कौन अध्यक्ष आए थे, 10 कदम पे गांव था, तो वहाँ कोई भाजपा कार्यालय से निकल कर कोई उनसे मिलने गया? कोई नहीं गया, सब लोग आए वहाँ मीटिंग किए, बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में, बढ़िया
जो है वहाँ काजू की बर्फ़ी खाए और निकल गए गांव में जाने का, जो वहाँ लाठी खा के लोग उनके यहाँ जाने की उनको जहमत नहीं उठाई। हम सब लोग गांव में जाकर एक एक घर जाकर मिले, लोगों से बात की। कांग्रेस पार्टी अभी कितना साथ देने वाली है? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी शुरू साथ दे रही है। तहसील में पहले दिन था, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे पूर्व सांसद पहले दिन तहसील से लेकर उसके बाद गाँव में सबसे पहले हम लोग गए। हम लोग वहाँ से जाकर बात उठाए कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कल कचहरी में जाके मांग पत्र दिया कमिश्नर पुलिस को। आज जेल के अंदर हम लोग सब लोग मिलने आए हैं। आगे भी हम लोग कानूनी तरीके से इनके साथ खड़े हैं और पूरी ताकत तन मन धन से इनके साथ खड़े रहे। सारे रास्तों का समाधान आपसी सामंजस्य और बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जा सकता है। और हम सब लोगों ने एयरपोर्ट पर अधिग्रहण जमीन कराया था, आपको याद होगा। मैं विधायक था बहादुर एयरपोर्ट में, जो इतना बड़ा एयरपोर्ट है जिस पे आज बड़े बड़े वहाँ पे ताशे बजा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो अधिग्रहण जमीन मैंने कराया था रात रात भर खड़े होकर। और एक भी कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, सबके अकाउंट में पैसा गया, सारे किसानों ने सहमति पत्र के साथ दिया। क्यों? क्योंकि उनके लोगों को, परिवारों को मैंने विश्वास दिलाया था कि आपके परिवार के लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा। और वो लोग वहाँ, ज़्यादातर परिवारों को काम मिला है, नौकरी मिली है बहादुर एयरपोर्ट पर। पता लगा लीजिएगा, अगल बगल के 10-20 गाँव के लोग ज़्यादातर वहाँ पर काम करते हैं, कर्मचारी हैं।